नमस्कार, निर्माण न्यूज में आपनु स्वागत छे। त्यारे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गुजरात नी मुलाकात छे ते तेओ पण नेशनल फोरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी नी प्रथम पदवीदान समारोह में हाजरी आपवाना छे। त्यारे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ना हस्ते नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ना नूतन भवन नु भूमिपूजन करायु। अमित शाह द्वारा NFSU ना विविध विषय ना टॉपर्स ने गोल्ड मेडल एनायत करवामां आव्या। युगांडा ना संरक्षण ने वेटरनर एफर्स मंत्री विसेंट सेम्पी जजा आ कॉन्वोकेशन में हाजरी आवा माटे 6 सभ्यों प्रतिनिधिमंडल साथ आया। उपरांत जिम्बाब्वे 9 सभ्यों प्रतिनिधिमंडल श्रीलंका उत्तरीय प्रांत गवर्नर ओमान ने रवांडा सहित अन्य देशों प्रतिनिधिओं ने डिग्री प्राप्त करना विद्यार्थी हाजर रहा था। क्योंकि आप आज विश्व के पहले फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री लेकर समाज के अंदर जाए, तो सबसे पहले इस दीक्षांत समारोह में 1132 जो शिक्षार्थी यहां से डिग्री लेकर जा रहे हैं, मैं सभी को बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं आपके भविष्य के लिए और आपके बाकी के जीवन के लिए। आज यहां पर 1132 विद्यार्थी 21 देशों से और इसमें 91 विदेशी छात्र भी है, वो फॉरेंसिक साइंस के अलग अलग क्षेत्र का ज्ञान अर्जित कर उसमें एक्सपर्ट बनकर आप समाज के बीच में जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आगे बताऊंगा जिस देश के लिए इस फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की, इस देश की परिपूर्ति के लिए आप लोग जरूर समाज के अंदर डटे रहेंगे, संघर्ष करेंगे और देश को इसकी परिपूर्ति तक ले जाएंगे। मित्रों, आज आप सबके लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि आपको डिग्री आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मिल रही है। यही साल है जिसमें सालों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हमारा देश आजाद हुआ। 75 साल की हमारी ये यात्रा जितनी सुंदर, जितनी रोचक और जितनी परिणाम लक्षी है उससे भी ज्यादा कष्टदायक हमारा आजादी का संघर्ष था। मैं आप सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि जीवन में एक क्षण के लिए भी ये मत भुलाना कि आज आजाद सार्वभौम भारत के अंदर आप सांस ले रहे हो, क्योंकि किसी ने आपको आजाद कराने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया है, बलिदान किया है।